जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी का एंड शुक्राना गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत जो दरबार में है, ऑनलाइन सजी हुई है। तो शुक्राना महाराज का आज का शुक्राना सत्संग की सेवा महाराज जी ने सुमित अंकल जी और पूजा आंटी जी को दी है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट देम हियर ताकि वो अपना महाराज को शुक्राना दे सकें। तो जय गुरु जी। आइए पूजा आंटी, जय गुरु जी। सुपिन अंकल आप भी आ जाइए। आज तो उनके बच्चे भी आए हुए हैं, सायरा और बेटे का क्या नाम? साहिल। साहिल, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कम, गो फ्रॉम देयर। डोंट वरी, डोंट वरी। ओके, कम फ्रॉम हियर। वेरी सायरा, कम सायरा। ओके, शी डजंट वांट टू कम। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी से इन 92-93। वो जर्नी तो स्टार्ट हो गई थी तब, लेकिन कनेक्शन नहीं था तब। कनेक्शन अब हुआ है अमृत वेला से जुड़ने के बाद। एक्चुअल में अभी 5-6 साल शुरू हो गया था, लेकिन तब भी कोई कनेक्शन नहीं हुआ था। एक्चुअल कनेक्शन अब स्टार्ट हुआ है इन अमृत वेला। इन 1992 और 93 में जब किसी ने मेरे डैडी को बताया गुरुजी के बारे में, तो जाना शुरू किया। आई यूज़ टू गो एवरी संडे विद माई मॉम। डैडी तो रोज़ जाते थे। डैडी वॉज़ लाइक उनके दोस्त ही बन गए थे गुरुजी के। उन्होंने कभी गुरुजी को, गुरुजी ने भी कभी मेरे डैडी को अंकल नहीं बुलाया था। ही यूज़ टू कॉल हिम थापर। मेरा लास्ट नेम थापर था। तो जब भी मतलब वहाँ जाते थे, एक स्पेशल अटेंशन मिलती थी। उस टाइम कुछ पता नहीं था कि गुरुजी कौन है, सिर्फ एक गुरु हैं, यही मैं मानती थी। आई वॉज़ सो यंग। लेकिन वेट होती थी एवरी संडे को वहाँ जाने की, कि वहाँ पर गुरुजी का ब्लेस्ड जल प्रसाद मिलेगा। उस जल प्रसाद वॉज सो डिफरेंट कि गुरुजी अपनी रुद्राक्ष माला के साथ उसको ब्लेस करते थे, और वो नॉर्मल टैप वाटर टोटली डिफरेंट, उसकी फ्रेग्रेंस, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता था। मैं उस टाइम पे एवरी संडे उस जल प्रसाद को लेने के लिए वहाँ जाती थी, वेट करती थी कि वो डिफरेंट जल मिलेगा मेरे को। लेकिन डैडी ही यूज़ टू टेल कि लाइक वहाँ पर एक डिफरेंट ऑरा है। मतलब वो ज़्यादा क्लोज थे तो वो देखते होते थे। कभी कभी गुरुजी ने उनको अपना दिखाया कि लाइक उनमें शिवजी का रूप आया, डैडी ने वो भी देखा। तो तब मेरे को इतना कुछ नहीं पता था कि लाइक गुरुजी यू नो गुरु नानक के या शिव के रूप हैं। वो अब पता चला है अमृत वेला के पास के बाद जुड़ने से। तो नाउ आई फील कि आई एम सो लकी टू बी ब्लेस्ड बाय गुरुजी। अब इम्पोर्टेंस पता चलती है। अब लगता है कि हम तब उन्हें गुरु ही मानते रह गए, अब उनको भगवान मानना शुरू किया है मैंने। इट्स माय जर्नी। तो बड़े किस्से होते थे जब डैडी होते थे वहाँ पर। आई रिमेंबर वन डे, डैडी रोज़ बैंक जाने से पहले गुरुजी के पास रुकते होते थे उनके मंदिर। तो एक दिन गुरुजी ने बोला कि थापर तू बैठा रहे थे। तो डैडी ने बोला गुरुजी मेरे को बैंक की चाबी है, मैंने जाना हैगा। सॉरी आई एम टॉकिंग इन पंजाबी, दैट्स हाउ गुरुजी बात करते थे। तो डैडी ने बोला कि गुरुजी मैंने जान दो। थापर तू बैठा रह, तू की करना है, बैठा रहते। तो डैडी बोलते कि मेरे पास चाबियाँ हैं गुरुजी, मैंने प्लीज़ जान दो। तो उन्होंने बोला तू बैठा रहे, कुछ नहीं होता। डैडी घड़ी देख रहे थे, 1 बज गया 2 बज के दोपहर के। तो डैडी कहते अब तो ना पक्का वहाँ पर हेड ऑफिस से फ़ोन आ गया होगा, कोई ना कोई पक्का बैठा होगा वहाँ पर। तो डैडी कहते जब मैं 2 बजे वहाँ पर पहुँचा दोपहर के, किसी ने पूछा तक भी नहीं कि लाइक तुसे कितने से गए। और ऐसे फ्लैक कुछ हुआ ही नहीं, कोई कैश नहीं आया उस दिन, कोई हेड ऑफिस से फ़ोन नहीं आया। तो दैट्स हाउ धीरे 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 वो विश्वास बढ़ने लग गया। और एक बार ऐसे ही गुरुजी ने डैडी को बोला कि चल थापर आज ना तू शॉपिंग करा, कुर्ता पजामा तू लेके दे आज मैनू। तो डैडी कहते अब उस टाइम पे कोई क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, लाइक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैश यू यूज़ टू हैव इन योर पॉकेट। तो डैडी कहते अंदर से सोच रहे थे हूँ पता नहीं की होगा। तो गुरुजी ने बोला चल चल की होया तेनू। डैडी कहते कुछ नहीं होया, चलो चलो चले गए उनको लेके। तो वहाँ पर अब दुकानदार को तो पता था, वो गुरुजी को अपने हिसाब के दिखाने लग गया जो ही यूज़ टू वेयर। तो डैडी अंदर से घबरा रहे थे, इतना पता नहीं कितना बिल होगा, मेरे को तो आज इतने पैसे ही नहीं है। तो आई थिंक डैडी कहते पता नहीं 1500-1600 रुपए थे
और जो एंड में गुरुजी ने लिया वो जितने उनके वॉलेट में पैसे थे ना वो उसी में पूरा हो गया। तो इट वॉज जय गुरुजी। तो गुरुजी ही यूज़ टू लव परफ्यूम्स, उनको परफ्यूम्स बड़े पसंद थे। तो मेरी बुआ और एक मासी दे आर स्टिल इन इंग्लैंड, तो जब भी वो वहाँ जाते थे हमेशा गुरुजी के लिए डैडी के लिए परफ्यूम लेके जाते थे। तो पता नहीं गुरुजी ने क्यों बोला कि थापर तू परफ्यूम नहीं लेके आंदा, तो डैडी के पास जितने परफ्यूम्स थे ना वो सारे लेके चले गए। तो आई रिमेंबर मम्मी कहते, तब पता नहीं था लाइक गुरु ही मानते थे है ना, तो मम्मी कहते अच्छा हम सारे परफ्यूम लेके चले हो थे। तो मम्मी कहते अब मैं सोचती हूँ हाय मैंने ऐसे क्यों बोला उस टाइम पे, तो लेकिन पता नहीं था। अब भगवान मानना शुरू किया, हम लोग सब उनको गुरु ही मानते रह गए उस टाइम पे। बट नाउ वी ऑल फील सो ब्लेस्ड, सो लकी कि वी सॉ गुरुजी, वी मेट गुरुजी इन देयर फिजिकल फॉर्म। और मेरे साथ सबसे बड़ा मिरेकल है कि मैंने अमृत वेला ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे को आई हैव अ क्रॉनिक माइग्रेन प्रॉब्लम, लाइक आई एंडेड अप गोइंग इन लाइक इमरजेंसीज 2-3 times जस्ट बिकॉज ऑफ माइग्रेन। बिकॉज इफ आई डोंट हैव अ प्रॉपर स्लीप टाइम आई हैव लाइक बैड माइग्रेन प्रॉब्लम्स। तो जब मैंने यहाँ आना शुरू किया, हम एक दिन आए मैं और मेरे हस्बैंड, तो मैंने आके जाके बोला मैं पूरा दिन सोती रही, मैंने कहा नहीं नहीं ये मेरे बस का नहीं है, आई एंड अप गोइंग इन द इमरजेंसी अगैन। लेकिन क्या हुआ, मैं एक बार आई, दो बार आई, तीसरे दिन मैंने बोला मैंने नहीं आज जाना, मैं नहीं जा सकती ठीक है। तो बट मैं 3 बजे उठी, मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो सोने लगी हूँ, मैं नहीं जा रही आज। लेकिन गुरुजी ने मुझे 3 से 5 बजे तक सोने नहीं दिया, आई कुडंट फॉल स्लीप। एंड देन आई सेड नेक्स्ट डे नहीं 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 मुझे तो अब ना जाना ही है। और अब किसी दिन अगर मैं नहीं आती तो आई फील आई ट्राइड, इट्स बीन 3 months, आई एम वेरी रेगुलर अनलेस एंड अंटिल वी आर ऑन वेकेशन, बट अदरवाइज अब छोड़ने का मन नहीं करता। अब लगता है कि नहीं आई शुड कंटिन्यू, आई शुड नॉट लाइक नहीं जाना, नहीं ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती, खुद आई फील गिल्टी इफ मैं नहीं आती हूँ। तो आई विल टेल यू एवरीवन गाइस, प्लीज़ हैव फेथ इन गुरुजी, बिलीव इन गुरुजी और आपकी सब इच्छाएं पूरी करते हैं। मुझे इन 3 महीनों में आई फील सो लाइक डिफरेंट लगने लग गया है, आई फील कि नहीं गुरुजी को मानते ना, मैं तो अब सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देती हूँ, छोटी से छोटी बात जय गुरुजी मैं बोलती हूँ कि गुरुजी आपने ही करना है, मुझे नहीं पता, मैं अपने हाथ खड़े कर देती हूँ। इवन इफ माई एट माई वर्क एट माई होम मैं कुछ अपने बच्चों के बारे में सोचती भी हूँ ना, हाई अगर ये ऐसा कर देना, तो 2 मिनट में पता नहीं वो बात बच्चे अपने आप बोल देते हैं मेरे को कि मामा कैन आई डू दैट, ओ माई गॉड। मैंने कहा मैं तो गुरुजी उसे बोल रही थी, अभी अपने मन में ही बोल रही थी कि गुरुजी प्लीज़ इनको ऐसे बोल दो। बट जय गुरुजी, आई हैव लाइक यू नो आई हैव नो वर्ड्स कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि लाइक आई हैव सो मच फेथ इन गुरुजी। जय गुरुजी, थैंक यू फॉर कमिंग। और एक सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आने से मुझे इतना अच्छा एक गुरु परिवार मिला ना, इतनी जो इतने सालों की फ्रेंडशिप थी ना, मुझे लगता है कि लाइक इन दीज 3 months आई हैव लाइक ये फ्रेंडशिप ना, और जो ये प्यार यहाँ मिल रहा है ना वो इतने सालों से किसी से नहीं मिला है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सोनी आंटी, इनकी इतनी मोटिवेशन है ना, लाइक शी इज़ द वन हु मोटिवेटेड अस। यस, जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी। यू वांट टू से समथिंग? सो दैट सत्संग रिमाइंड मी ऑफ समथिंग, थैंक गुरुजी वी हैव क्रेडिट कार्ड्स दीस डेज, वी डोंट नीड टू कैरी अराउंड लाइक अ लॉट ऑफ कैश, वी हैव क्रेडिट कार्ड्स। No need to hide our cash. We have credit cards now. You want to say something? Yeah. So when we went to Turkey in August, my mom loved shopping like a bit too much. It was not healthy. So every time before we would go into a shop, I would go, Guruji, help me here. Make her get out quick, please. And you know, because we're besties, make it extra quick. And so make sure we get back in time for dinner. And so one shop, my dad told me we won't make it in time for dinner. And I went, Guruji, please tell me they have like an after dinner or something. And so that day we ordered room service in our hotel. That way I could eat. And because of Guruji, I ate. And she got her jewelry. See, just thank you, Jai Guruji. Thank you, Jai Guruji. And I'm sorry if I hurt you, Guruji. Jai Guruji.
Jai Guruji. That was a beautiful satsang. I must say that. Jai Guruji. Sumit uncle, aapne kuch include karna hai. To aa jaiye shukrana. That was the best satsang, I would say. Jai Guruji, shukrana Guruji. My journey, I started coming basically Amrit Vela se. Kaafi der se main jata tha. So I believe very much in Sikhism. So our family is very blessed by Guru Nanak Dev Ji. So my name is Sumit Bhandari, and Bhandari clan is blessed by Guru Nanak Dev Ji. And Guru Nanak Dev Ji got married in Batala, and Bhandari clan belongs from Batala. So, or it was very difficult to believe in anybody else other than Guru Nanak Dev Ji and Guru Granth Sahib Ji. So bada mushkil tha ki kisi aur guru ko अडॉप्ट करना. तो जब आना शुरू किया तो गुरुजी को पता था कि क्या करना है. उन्होंने सबसे पहले एक नहीं दो नहीं तीन बारी गुरु नानक देव जी के यहाँ पर दर्शन करवाए. यहाँ पर जब गुरुजी का बर्थडे था यहाँ पर उन्होंने कुछ मिरर्स रखे हुए थे, वहाँ पर गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए. फिर वहाँ पर गुरु जी के स्वरूप के साथ गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए. अभी तीन दिन पहले ही गुरु नानक देव जी मेरे सामने आके खड़े हुए और मैं बोला, मैं कहा बाबा जी इतनी मेहर गुरु जी बस बख्श तो. अब फिर तीन चार दिन पहले गुरुजी आप खुद आके अपने चोले में आके मेरे सामने खड़े हुए. तो तीन चार दिन पहले, आई थिंक लास्ट वीक की बात है, तो गुरुजी मेरे को आके, पता नहीं किसी ने आके मुझे चीनी दी कि आपके चाय में चीनी कम है तो आप चीनी ले लीजिए. तो मैंने सोनिया आंटी से पूछा, आंटी किसी ने मुझे चीनी दी? कहते किसी ने भी नहीं आपको दी. तो मुझे नहीं पता किसने दिया. तो पता नहीं गुरुजी आए थे, गुरु नानक देव जी आए थे. तो हैव अ बिग जर्नी. शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु नानक देव जी, शिव जी महाराज, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना. एंड सोनिया आंटी, अश्विनी अंकल, तपस अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ब्यूटीफुल परिवार सब आए. प्लीज़ अमृत वेला में सब आके जुड़िए. ब्यूटीफुल फैमिली. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच. तो मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद ही दूंगी आपको सुमित अंकल, पूजा आंटी. ये मुबारकबाद ही है, आपने शुक्राना सत्संग की सेवा ली है. क्योंकि महाराज सेवा लेते हैं तो मतलब वो देते हैं तो मतलब हमें मिलती है. तो दिस इज़ सच अ ह्यूज ब्लेसिंग. और इस बहाने देखो आज बच्चे भी आए हैं. तो मैं कहती हूँ जब बच्चे जुड़ते हैं मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होती है. क्योंकि ये जनरेशन को जब ये एक्सपोजर मिलता है तो थिंक अबाउट इट, हम तो पता नहीं जब हमारी आधी ज़िंदगी ख़त्म होगी तब महाराज ने हमें लिया. तो शुक्राना है गुरु जी का. और गुरु जी ऐसे ब्लेस करते रहे. अमृत वेला से जुड़िए, सत्संग में जुड़िए, गुरु जी से मेन जुड़िए. तो गुरु जी अपने आप ही अपनी जर्नी आगे लेके जाते हैं, तो मार के जाते हैं. तो महाराज का शुक्राना है. और आपको हेल्थ बख्शें, बच्चों को भी खुशियाँ दें. तो शुक्राना है सब.